काजल सिंह और कहती है, आर यू रेडी टू गिव पारसा अ सेकेंड चांस? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं ऑलरेडी 2 बार उस रिश्ते में ऑलरेडी उन्हें 1 बार चांस दे चुकी हूँ. बीच में हमारा ब्रेक भी हुआ था जो 5 मंथ्स का था, उसके बाद ऑलरेडी मैंने उन्हें चांस दिया था. तो आई थिंक अब तो सवाल ही नहीं उठता. बट बस मैं चाहती हूँ अब ये किस्सा खत्म हो जाए और बस अब ज्यादा से ज्यादा ना वो इसके बारे में बात करे ना मैं करूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं. हाँ, कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, बीच में ऐसा क्या हो गया. तो मैं सबको आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसका रिलेशन बिग बॉस से बिल्कुल भी नहीं है. वो चीजें बाहर हुई हैं बिग बॉस के घर के, बहुत सी चीजें हैं जो बाहर हुई जो मुझे पता लगी, और कुछ चीजें हैं जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरा पर कहने के लिए और मैं नहीं कहूंगी. बट डेफिनेटली कुछ चीजें हुई हैं जो शो से रिलेटेड नहीं है और उसकी वजह से मैंने कुछ डिसीजंस लिए जो मैं जो आगे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ. इसीलिए कोई नेगेटिविटी नहीं है. अगर मुझे आगे प्रोफेशनली उनके साथ काम करना भी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता अब मैं उनसे कोई रिश्ता रख पाऊंगी. एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, हालांकि ये सवाल भी आया है लेकिन ये मेरे मन में भी बात थी। उनकी जी मम्मी जब आई थी बहुत ही अच्छी जी बॉन्डिंग देखने के लिए मिली थी, जी तो आप जी क्या उनके टच में हैं? जी मैं अभी बिल्कुल भी उनसे टच में नहीं हूँ. बस लास्ट मेरी एक बार मैसेज पे और कॉल पे उनसे बात हुई थी, जब मैंने उन्हें बताया था कि उन्होंने ही मुझसे आगे रहकर पूछा था कि आकांक्षा जितना भी तुम्हारे ड्यूज है, हिसाब है, वो मुझे प्रॉपरली दे दो. तो मैंने उन्हें प्रॉपरली दे दिया था और तभी मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई थी. बट सी ऑब्वियसली अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ एक कनेक्शन होता है कि आप उनसे टच में हो या ना हो, बट आप उन्हें हेट नहीं कर सकते. मैं उन्हें प्यार कल भी करती थी, मैं आज भी करती हूँ, और बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया है हमेशा से और बहुत प्यार किया है उन्होंने मुझे. तो मैं उन्हें बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी. कभी लाइफ में मिले तो डेफिनेटली आई होप कभी मिले मुझे वो, बट हाँ मैं अभी कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहती क्योंकि चीजें कुछ ऐसी हो गई हैं. ओके, जी यहाँ वी नो इफेक्ट्स है। वो कह रहे हैं, डिड यू हर्ट, डिड यू गेट हर्ट व्हेन सलमान सर आस्क पारस अबाउट यू? हर्ट नहीं, क्योंकि डेफिनेटली मेरी काफी बात हुई थी उनसे, तो हर्ट तो नहीं. मुझे पता था, उन्होंने मुझे बताया था कि वो आज बात करेंगे उनसे, तो मुझे पता था. आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड अबाउट इट. तो मैं हर्ट तो नहीं थी, बट डेफिनेटली यू नो जिससे आपने इतना इतना ज्यादा प्यार किया हो किसी से, किसी के साथ आपका इतना लंबा रिश्ता रहा हो, और मेरे लाइफ में जैसे मैंने पहले भी कहा था ऐसे रिश्ते नहीं रहे हैं. मैं कभी भी फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप में नहीं गई कि किसी के साथ टाइम स्पेंड किया हो, उठे हो, सोए हो, खाए हो, यू नो ट्रैवल किया हो इतना. मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया किसी के साथ बाहर. मैं एक स्कूल पिकनिक पे भी कभी बाहर नहीं गई. तो यू नो मैं मेरे लिए सब चीजें फर्स्ट टाइम थी. तो आई थिंक इट्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि चीजें ऐसी हुई. कभी कभी शिकायत भी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, बट आई थिंक ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट सम थिंग्स इन लाइफ. एंड बुरा तो नहीं लगा, बट डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हुआ. आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं? आई थिंक कोरोना में मुझे ये चीज जरूर पता लगी. जब से कोरोना वायरस की चीजें निकली हैं, हम लोग लॉकडाउन पे हैं, उस दिन से मुझे लग रहा है कि मैं शायद अपनी लाइफ के उस पार्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ. और आई थिंक मैं कंप्लीटली रेडी हूँ किसी और को इन वो पार्ट में इनवाइट करने के लिए. आई थिंक आई एम रेडी फॉर लव नाउ. तो लेट्स सी. ऑल द बेस्ट। किस तरह के चाहिए? जी मुझे रियल बंदा चाहिए और मुझे बहुत कोई ऐसा चाहिए जो बहुत ऑनेस्ट हो, और ऑनेस्टी मेरे लिए आई थिंक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस टाइम. मैं चाहती हूँ एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए ऑनेस्ट हो, जो मेरे लिए लॉयल हो, और जिसकी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, जो मेरे लिए एफर्ट्स करे